सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिपीडिया। आज हम लोग अभी कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में है। पूरा हम लोगों ने कैंपस टूर, हॉस्पिटल, होस्टल टूर सारी चीज़ की है। डीन मैम से भी डिस्कशन हुआ और स्टूडेंट से भी सारा फीडबैक लिया। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कजान की बात करते हैं। कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कजान सिटी में आता है, जो कि ततस्तान, जो यहाँ रिपब्लिक ऑफ ततस्तान है, जो सबसे थर्ड लार्जेस्ट सिटी है रशिया की, वहाँ पर यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। एंड अगर दिल्ली से आपको कजान में आना है तो एरोफ्लोट इज़ वेरी कन्वीनियंट फ्लाइट। 5.5-6 घंटे की जर्नी है दिल्ली से मॉस्को, एंड मॉस्को से कजान 1.5 घंटे की फ़्लाइट में आप डायरेक्ट कजान लैंड कर सकते हैं। अगर एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी की बात करें तो 25-30 मिनट्स में आप यूनिवर्सिटी पहुँच सकते हैं एयरपोर्ट से। अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन पर आ गए हैं। ये लोग टिकट्स ले रहे हैं। आप कैश से अपने और अपने कार्ड दोनों से ही यहाँ पर मेट्रो की टिकट ले सकते हैं। तो अभी यहाँ से अंदर हम लोग एंटर करने वाले हैं। ये यूनिवर्सिटी 1804 की इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है और 1941 में इसको रशियन फेडरेशन, जो आपकी हायर एजुकेशन की जो एफिलिएशन है, वो मिली। में ये पर्टिकुलरली मेडिकल यूनिवर्सिटी है। 6000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। 2000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं। तो अभी जो हम बिल्डिंग में हैं, ये बतलोबा मेन जो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, ये 6-story बिल्डिंग है। यहाँ पे जो 4 बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, रेक्टर, डीन, अकाउंट सेक्शन सारा है। और साथ के साथ यहाँ पे पैरेलल ही एक बिल्डिंग है जिसमें 6th floor पे बायोलॉजी की क्लासेस, देन 5th पे रशियन, 4th पे लैटिन, देन 3rd पे हाइजीन, देन 2nd floor पे अगर देखोगे तो लेक्चर थिएटर्स हैं, 1st floor पे लाइब्रेरी है। बहुत ज़्यादा ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। इवन हम लोगों ने खुद क्लास भी अटेंड की वहाँ पे। जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया उनकी रशियन क्लासेस चल रही थी। जो क्लासेस की स्ट्रेंथ है वो 20-25 स्टूडेंट्स, सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स की सेपरेट क्लास चल रही थी। एंड टीचर्स वर वेल नोन विद इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब बच्चों को अच्छे से समझ भी आ रहा था। वी कुड ऑल्सो सी कि इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली यहाँ के टीचर्स बोल रहे हैं। इवन 6 ईयर्स तक जो अकेडमिक्स है वो सारा इंग्लिश मीडियम में है। डेफिनेटली आपके यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप हैं। अगर इंडियन स्टूडेंट्स के क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें, यहाँ से फर्स्ट ईयर में ही रोटेशन स्टार्ट हो जाती हैं, मेजरली 2nd semester से, और कमिंग 3rd year ऑनवर्ड्स थ्योरेटिकल क्लासेस कम हो जाती हैं एंड क्लिनिकल एक्सपोजर बढ़ जाता है। उसमें जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन देता है क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए वो RKB हॉस्पिटल है। अब हम आपको नेक्स्ट RKB हॉस्पिटल अंदर से और अदर हॉस्पिटल जो इसके साथ अटैच हैं वो भी दिखाएंगे, ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पे अगर आप रशिया में पढ़ने आ रहे हैं, जो कि एक मिथ है कि सिर्फ इंडिया में ही क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है, बाहर सिर्फ थ्योरेटिकल मिलता है, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी बड़े सिटी के यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करते हो, वहाँ पर हॉस्पिटल्स एसोसिएशन बहुत अच्छे हैं। डेफिनेटली आपको लोकल रशियन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा पेशेंट से इंटरेक्ट करने के लिए, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉपर क्लिनिकल एक्सपोजर दिया जाता है, उनको असाइनमेंट्स दी जाती हैं, फिर उनको सेम स्टेप्स करने के लिए बोला जाता है सो दैट दे कैन प्रैक्टिस वेल। जब इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं तो यहाँ पे आपको मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है। तो अगर कोई भी मेडिकल इशू है तो यहाँ पे इस हॉस्पिटल में आपको OPD फ्री मिलती है, मतलब आपके इंश्योरेंस में कवर्ड रहती है। बट डेफिनेटली आपको जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड होती हैं उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ती है, बाकी OPD फ्री है आपकी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी की काफ़ी अच्छी है। लोकेशन भी बहुत प्राइम है। यहाँ पे लोग अभी मार्ट एंटर कर गए हैं। यहाँ पे ये खाने पीने का सारा सामान है। यहाँ पे आप देखोगे शॉपिंग का सारा कॉम्प्लेक्स है। डेफिनेटली रशिया वीमेन डोमिनेटिंग कंट्री, गर्ल्स की शॉपिंग बहुत ही अच्छे से हो जाती है रशिया में। बॉयज की भी चीजें अवेलेबल है। यहाँ पूरे हैंडबैग्स की मार्केट, बैग्स, क्लोथिंग स्टफ, देन योर परफ्यूम्स, एवरी सिंगल थिंग इज अवेलेबल इन दिस बिल्डिंग एंड दैट टू 5 मिनट्स फ्रॉम योर होस्टल। ये आपका बेसिक शॉपिंग का मार्ट है जहाँ पे आप खाने पीने की अपनी सारी नेसेसिटीज कंप्लीट कर सकते हैं। कैन सी, सो दिस इज अगेन कमिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक। ये अगर आप देखोगे यहाँ पे हेयर कट हो रहा है, बार्बर शॉप है, और यहाँ पे ये आपका सारा
इलेक्ट्रॉनिक्स स्टफ अवेलेबल है, दिस इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स, देन शूज। रंजीव सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये आपको मार्ट कैसा लगा? अरे एक्सीलेंट, इतना बढ़िया। यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी किसी को रिक्वायर्ड हैं, ग्रोसरी से लेके इवन कि आप बात करते हैं सुई से लेके जहाज तक, सब कुछ यहाँ पे मिलता है और इतना सस्ता है और इतना बढ़िया है। यहाँ पे आपको क्वालिटी मिलेगी और स्टूडेंट को कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो दिस इज अ सुपर्ब। आपको क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिल सकता है, एजुकेशन अच्छी मिल सकती है, बट डेफिनेटली पढ़ाई आपको खुद करनी होगी। एंड अब आप एक अच्छी जगह पे पहुंच चुके हैं, सेम क्लास में से बहुत सारे बच्चे हैं जो टॉप करेंगे, और ये आपके ऊपर है कि आप कैसी स्टडीज़ कर रहे हैं। मेडिपीडिया की टीम आज इस यूनिवर्सिटी में है ताकि हम लोग बच्चों को जो भी एडमिशन प्रोसेस में, उनकी हॉस्टल अलॉटमेंट में, उनका एडमिशन प्रोसेस में, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में, जो सारा प्रोसेस है वो कम्प्लीट हम लोगों ने बच्चों का करवा दिया है। इवन जो जो उनकी क्वेरीज और प्रॉब्लम्स थी वो भी सारी सॉल्व हो चुकी हैं। मुझे अच्छा ही लग रहा है कि मैंने कज़ान स्टेट को चूज़ कर लिया, क्योंकि एक तो वहाँ पे ऐसा बोल रहे थे स्ट्रिक्टनेस है फेडरल में, जो ट्रू है क्योंकि वहाँ के बच्चे बताते हैं, और स्टेट में लाइक वो ओल्ड भी है, पूरी मेडिकल यूनिवर्सिटी है तो उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैंने इसलिए कज़ान स्टेट में स्विच किया। उसके बाद तो होल प्रोसेस वॉज वेरी स्मूथ, और ऐसे कहीं के बीच में हॉल्ट आया या फिर कोई दिक्कत हुई, हर एक स्टेप पे हमें लाइक पूरा प्रॉपर गाइडेंस दिया था, एंड एवरीथिंग वाज स्मूथ, एंड हॉस्टल एंड ऑल वो भी बहुत अच्छा है, मतलब देखा जाए तो हर एक चीज़ प्रोवाइड है हमें, किचन और ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और आगे भी हम यूं ही मेडिपीडिया की टीम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करती रहेगी। अगर आपको एडमिशन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, फील फ्री टू रीच टू अस, वी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।